सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इक्सा। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चूतिया या तो। एक सेकंड, और स्क्रिप्ट राइटर, ये स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? हाँ तो सही तो लिखा है, तो है तो चूतिया। अब साइनो के मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, जिसके पीछे एक रीजन भी है। वो ये है कि यहाँ पे 10 दिन से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मतलब बहाने मत बना चूतिया। सो टॉपिक पे आते हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द केस स्टडी ऑफ वैनिटास एपिसोड 9, जिसका टाइटल है दोस हन क्रिमसन, मतलब जो लाल का शिकार करते हैं। सो यहाँ पे सीधे सीधे चेसर्स के बारे में बता रहे हैं, जो एम्पायर का शिकार करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से चैनल पर 1K करवा दो। उसके लिए मैं तुम सबको सरप्राइज दूंगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अभी वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर जल्दी वहाँ पे भी एक्टिव हो जाऊँगा। सो वहाँ फॉलो कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अपनी बकचोदी को बंद करते हुए लेट्स बिगिन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में नोए को दिखाते हैं, जिसकी बहुत बुरी हालत हो रही है, और एंटास उससे वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन नोए मना कर देता है। नोए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता। एंटास तभी रोलन कहता है, एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? वेंटास। वो एंटास के पास जाता है और कहता है, काले बाल और नीली आंखें, तुम ही हो वेंटास? वेंटास उसे कहता है, हाँ मैं ही हूँ। तभी रोलंड उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिल पाऊंगा। तो अफवाह सच्ची थी, वैम्पायर्स तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बेचारे लड़के को वैम्पायर्स और ब्लू मून क्लैन के बीच में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कितना बेचारा है। तभी वेंटास उस पर अपने नाखून मारता है और वो कहता है, तुम लोग कभी नहीं बदलोगे, तुम वहाँ दया दिखा रहे हो जहाँ दया की जरूरत नहीं होती, तुम्हें एहसास भी नहीं होता तुम दूसरों को नीचा दिखा रहे हो। सुन ध्यान से, मैं अपने रास्ते खुद की मर्जी से चुनता हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मैं वैम्पायर्स के साथ काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जगह पर घुसा और अभी मैंने तुम्हारे चेहरे पर हमला किया, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया। लेकिन रोलंड ये बात नहीं मानता, और उसे अभी भी लग रहा है वेंटास वैम्पायर के कब्जे में है। वो आगे कहता है, मैं तुम्हें वैम्पायर्स के चंगुल से बचाऊंगा। अपना वेपन निकाल के नोए की तरफ हमला करता है, और तभी वेंटास कहता है, टेसर्स कोई आम इंसान नहीं है, वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। रोलंड नोए पे हमला करता रहता है, वो नोए को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ वेंटास आ जाता है और उसे चकमा दे के भाग जाते हैं। तभी वहाँ रोलंड के साथ ही आते हैं, और वो तो कहता है कि वो दोनों भाग गए, उनमें से एक वैम्पायर है। ये सुन के उसके साथ ही गुस्सा हो जाते हैं, और वो तीनों उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं, और वेंटास और नोए कहीं पर छुपे हुए हैं। वेंटास नोए से पूछता है, क्या तुम्हारी आंखें अब ठीक हैं? इसके जवाब में नोए कहता है, पहले से काफी बेहतर, लेकिन असली और फॉर्मुलिक दुनिया मिली हुई है जिसे सब ढंग से नहीं दिख रहा है। तभी वेंटास कहता है, वो रोशनी वैम्पायर की आंखों को चोट देती है, जिससे वो वर्ल्ड फॉर्मूले में बदलाव नहीं कर सकते। नोए, तुम लड़ाई में अपने शरीर की काबिलियत बढ़ाते हो वर्ल्ड फॉर्मूले में छेड़छाड़ करके, तुम और क्या कर सकते हो? इसके जवाब में नोए कहता है, अगर मैं पूरी कोशिश करूं तो दीवार पर खड़ा हो सकता हूं। अगर वेंटास कहता है, तुम उसे हरा सकते हो? ये सुन के नोए कहता है, मुझे नहीं पता, अगर हम साथ में काम करें तो हम जीत सकते हैं। आगे वेंटास कहता है, नोए, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ, उसका नाम मोरो है, वो एम्पायर रिसर्च को लेकर काफ़ी जोश में रहता है, उसके इसी पागलपन की वजह से उसे चेसर्स ने निकाल दिया था। तभी वेंटास नोए को वो बटन देता है और कहता है, इसके दूसरी तरफ देखो, उसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर 128। तभी वेंटास कहता है, ये प्रोडक्शन नंबर है, हाल ही में हुई किडनैपिंग किसी आम चेसर्स का काम नहीं था, वो है अपग्रेड किए हुए इंसान, जो कि मोरो की इंसानी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, वो उसके ही जीव है। तभी एक लैब दिखाते हैं, और एक आदमी वेंटास और नोए को देख रहे हैं, और वो कहता है, ये लोग कौन है? वो काले बाल वाला जाना पहचाना लग रहा है, या मुझे वहम हो रहा है? हाँ, मुझे याद आ गया, ये वही है जिसे ब्लू मून क्लैन के एम्पायर ने मुझसे छीन लिया था, वो मेरा सबसे खास नमूना था। आगे दिखाते हैं, रोलंड एक अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ पे दो घुसपैठिया आए हैं, एक जिसके सफेद बाल है वैम्पायर है, और काले बाल वाला इंसान, हालांकि मुझे वो इंसान जिंदा चाहिए किसी भी कीमत पर, और वो उन्हें ढूंढने वापस चले जाते हैं। आगे दिखाते हैं, उनके ऑटोमोब्स उन पर ही हमला कर रहे हैं, और उसके साथ ही बेहोश पड़े हैं। ऑटोमोब्स में से एस्टामाइट निकालता है और कहता है, ये लाल रंग के हो चुका है, मैंने ऐसे रिएक्शन आज तक नहीं देखा। तभी उनका एक साथी कहता है, कैप्टन, दोनों में कुछ तो बात थी, ऐसा लग रहा था कि वो उस भूलभुलैया के बारे में सब जानते हैं, हम उनका पीछा कर रहे थे, पर किसी तरह वही हमारे पीछे आ गए और हमें चौंका दिया। तभी वेंटास और नोए को दिखाते हैं, और नोए कहता है, वो किताब मशीन के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है क्या? इसके जवाब में वेंटास कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऑटोमोब्स में पावर देने वाले एस्टामाइट से छेड़छाड़ की, यकीनन तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि कैसे ये मुमकिन है। तभी नोए कहता है, ये मत कहना तुमने फॉर्मूला बदला। ये सुन के वेंटास कहता है, हाँ, ये स्टोन भी वर्ल्ड फॉर्मूले से ऐसे ही जुड़े हैं जैसे तुम वैम्पायर्स, मैंने बस इसका इस्तेमाल किया, क्या दिक्कत है,
मुझे लगा था कि हम चेसर से लड़े बिना अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, ये सुनकर नोए मन में ही सोचता है, मेरे पास अभी कई सारे सवाल हैं। तुम्हें जगह इतने अच्छे से कैसे पता? तुम्हें चेसर्स की इतनी समझ क्यों है कि मोरो क्या करना चाहता है? तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है और क्यों ऐसे वक्त में तुम वैसा चेहरा बनाते हो? तभी वेंटास कहने लगता है, मेरे माँ बाप को एम्पायर्स ने मार दिया था और फिर चेसर्स ने मुझे बचाया था, मुझे नए बंदे जैसे ट्रेनिंग देने लगे, पर मेरे तैयार होने से पहले मोरो ने मुझे देख लिया था और मैं उसका बकरा बन गया। बस कहानी खत्म। और हाँ, मैंने यहाँ बहुत साल बिताए हैं इसलिए मुझे ये जगह याद है। तभी नोए बहुत शौक होकर कहता है, उसने कहानी ऐसे क्यों बताई जैसे किसी और की हो, और वो वेंटास से पूछता है, क्या तुम्हें वैम्पायर से नफरत नहीं है? ये सुनकर वेंटास कहता है, मेरी नज़र में वैम्पायर्स और इंसान दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही खूंखार मतलबी जीव हैं। तभी नोए चिल्लाता है और कहता है, फिर से ऐसा चेहरा मत बनाओ। तभी वहाँ रोलैंड और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। तभी वेंटास कुछ चीज़ छोड़ता है जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और वो गेट बंद हो जाता है। तभी उनमें से एक वहाँ दूसरे रास्ते से जाने लगती है और तभी वेंटास और नोए को दिखाते हैं और वो कहते हैं, अब हमें रोलैंड से लड़ना ही पड़ेगा, वो सबसे ताकतवर चेसर्स में से एक है, अगर हम उससे लड़ेंगे तो बिना जख्मी हुए बस नहीं पाएंगे। हम अभी मोरो की तरफ जा रहे हैं उसके अपग्रेड किए हुए इंसानों के साथ, अगर मरे ना हो तो किडनैप हुए इंसान वही होंगे, हम यहाँ जख्मी नहीं हो सकते। तभी वहाँ रोलैंड के साथी आती है और वेंटास उसे बेहोश कर देता है और वो कहता है, हम इसे बंदी बना रहे हैं, लेकिन नोए मना कर देता है। वो कहता है, अगर हमने ऐसा किया तो शांति से समझौता नहीं होगा। तभी वेंटास कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि उससे शांति से समझौता हो सकता है? यही तुम्हारे कमजोर बनाता है, तुम्हारे पास ताकत है फिर भी खुद की कब्र खोद रहे हो। बस हुआ, मेरा बहुत हो गया, तुम्हें मेरे तरीका पसंद नहीं तो मैं खुद कर लूंगा, तुम्हारे जैसे के साथ काम करके एक दिन मैं ही मरूंगा, जा तू अपने जैसे के साथ रह, तू साले खून चूसने वाले वैम्पायर। तब उन्होंने गुस्से में कहता है, समझ गया वेंटास, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ, हम बंदी बना लेंगे। तभी सीन चेंज होता है और दिखाते हैं रोलैंड और उसके साथी एक हॉल में जाते हैं जहाँ पे नोए वेंटास को बंदी बनाए हुए खड़ा है और नोए कहता है, जहाँ हूँ वही रहो, एक और गलत हरकत और मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तभी रोलैंड कहता है, तुम बेकार वैम्पायर, तू इतना गिर गया है। तभी उनका साथी कहता है, शांत हो जाओ, ये एक जाल होगा। अगर वेंटास कहता है, तू ये क्या कर रहा है नोए, वो ये समझ जाएंगे। इस सुनकर नोए कहता है, क्या समझ जाएंगे, तुम बड़ी बेकार बातें कर रहे हो वेंटास, मैंने बताया था ना हम साथ काम करने पर जीत सकते हैं। तभी वेंटास चिल्लाने लगता है, वो कहता है, वहाँ खड़ा मत रहे रोलैंड, मुझे आके बचा, मैं सीरियस हूँ, मुझे बचा ले। तभी नोए वेंटास को ऊपर फेंक देता है और रोलैंड उसे पकड़ लेता है और तभी नोए उसको एक बहुत जोर की लात मारता है और नोए उससे कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई रोलैंड, मेरा नाम है नोए, मैं वेंटास के साथ हादसे की जाँच करने आया हूँ, पहले मुझे यहाँ घुसने के लिए माफ़ करना, लेकिन कसम से मैंने किसी को भी नहीं मारा है कपड़े लेने के लिए, तो प्लीज़ क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? और तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वेंटास चिल्लाता है, डॉक्टर मोरो अभी भी जिंदा है, अब हमारी बात सुनो। उन सबको सब बताते हैं और रोलैंड कहता है, तुम्हारी बात सेंस तो बना रही है। तभी वो नोए से पूछता है, क्या तुम सच में एक वैम्पायर हो? मैं तुम्हारे जैसे वैम्पायर से कभी नहीं मिला। तभी वेंटास कहता है, बिल्कुल, जैसे सिर्फ उन्हीं का शिकार करते हैं जो इंसानी दुनिया में आतंक फैलाते हैं। ये सुनकर रोलैंड कहता है, ठीक है, मैंने मन बना लिया, नोए मेरे दोस्त बन जाओ, तो बात हो गई, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तभी वेंटास चिल्लाता है और कहता है, मैं तेरे साथ काम करने से अच्छा मरना पसंद करूँगा, मेरा पीछा मत करना। आगे दिखाते हैं वो लोग एक गुफा में जा रहे हैं और एक गेट के आगे जाते हैं, जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो बहुत सारे पटाखे फूटने लगते हैं और वो मोरो कहता है, वेलकम बैक मेरे नंबर 69, क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं हूँ डॉक्टर मोरो। तभी वेंटास उसके पास जाता है और बड़ी खुशी से कहता है, डॉक्टर मोरो। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।